नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल की चार लोकसभा सीट पर इस बार बेहद कड़ा मुकाबला है। ग्वालियर चंबल की चार सीट पर काबिज बीजेपी इस बार फिर से इन सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बार लोकसभा के चुनावी रण में बीजेपी के अभेद केले पर सेंध लगाने में जुटी है। मुरैना श्योपुर लोकसभा की बात करें तो इस सीट पर जनहित से जुड़े कई मुद्दे हैं जिन्हें पूरा करने के वादे चुनावी सीजन में तमाम पार्टियां और उनके नेता करते हैं। मुरैना श्योपुर संसदीय इलाके में आज बात मुद्दों की होगी जिन्हें जनता कई बार अपने उम्मीदवारों से पूरा करवाना चाहती है। एनडीटीवी के चुनावी कार्यक्रम 10 सवाल में ये सारे सवाल के जवाब मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर खड़े हुए उम्मीदवारों से एनडीटीवी ने पूछे। मुरैना श्योपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू में सीधा मुकाबला है। 1952 में यहां पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए थे और पहली बार कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज कराई और 1967 में यह सीट अनुसूचित वर्ग के लिए रिजर्व हो गई। मुरैना श्योपुर सीट से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके थे और ये बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है जो 28 साल से बीजेपी के कब्जे में है। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों से 10 सवालों के जवाब लिए एनडीटीवी रिपोर्टर अजय राठौर ने। पहला सवाल है पलायन का। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर लोग जो रहते हैं वो नौकरी की तलाश में अक्सर यहाँ से बाहर जाते हैं, तो इस पलायन को रोकने के लिए किस तरीके से प्राथमिकता है आपकी जीत के बाद? पलायन को रोकने के लिए वैसे तो पलायन अब कम होने लगा है। मुरैना श्योपुर विधानसभा दोनों लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ काफी सिंचाई के साधन बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब तक मध्य प्रदेश में और केंद्र में सरकार आई है तो खेती में सिंचाई के साधन बनने के बाद श्योपुर तो धान का कटोरा बोला जा रहा है आज की तारीख में, और गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो श्योपुर जिले में या विजयपुर हो कहीं भी अब सिंचाई के साधनों की काफी जटी गेड़ा बांध बना और मुजड़ी बांध भी बांध रहे हैं, तो ये काम जो चल रहे हैं इनसे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे तो खेती की आय बढ़ेगी, इसलिए पलायन तो कहेगा। दूसरे मुरैना के जलेरुआ की जगह फैक्ट्रियों का जो फैक्ट्री खुल रही है उनमें लोगों को रोजगार मिलेगा, काफी हद तक उनका काम चालू हो गया है और वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन की राजनीति जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई और मैंने युवाओं के लिए एक लंबा संघर्ष किया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं का पलायन रुके, कैसे युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध हों, मिलकर और बैठकर इसकी योजना बनानी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। डबल इंजन की सरकार रही इस देश में लंबे समय तक, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, 10 वर्ष से लगभग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और बहुत मजबूत नेतृत्व तो यहाँ के लोगों को मिला था। लोगों को बड़ी आस थी, लोगों को बड़ा विश्वास था इस मुरैना सुपर संसदीय क्षेत्र में बहुत विकास होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुरैना संसदीय क्षेत्र में कुछ विकास हो पाया। मुरैना क्षेत्र यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध तो हो सकते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ लोगों में वो ताकत है कि जिससे वो इस श्योपुर जिले के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं कृषि मंत्री जी जब भी थे मुझे लगता है देश के पांचवें नंबर के नेता उनको लोग बोलते थे, और पांचवें नंबर के नेता का श्योपुर और मुरैना संसदीय क्षेत्र में लोगों की स्थिति यह है कि लोगों को बेरोजगार लोगों को पलायन करना पड़ रहा है ऐसे, तो ये बड़ी शर्मनाक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेरोजगार युवक हों चाहे हमारे बनवासी आदिवासी लोग हों जो मजदूरी के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हों ऐसा मैं तय कर चुका हूँ उनके लिए काम करने वाला। रोजगार की हम बात करें तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुरैना में तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी ब्रांडेड नामी गामी इंटरनेशनल फैक्ट्रियां वहां पर है। श्योपुर में अगर आप जीते हैं तो श्योपुर में किस तरीके से इन फैक्ट्रियों को स्थापित किया जाएगा ताकि यहाँ पर रोजगार बढ़े, यहाँ के युवाओं को एक बड़ा प्लेसमेंट मिले? श्योपुर जिले में भी अपन भारतीय जनता पार्टी की योजना रही है कि हर जिलों में अपने रोजगार के साधन बढ़े और उसके तहत वहाँ के जो आदिवासी बेल्ट की आप बात कर रहे हो उनके यहाँ
स्वसहायता समूह चलाकर उनको भी रोजगार देने का काम बहुत किया। फैक्ट्रियां लाएंगे कोई? फैक्ट्रियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज तो अपन कुछ है नहीं, जब बन जाए तो उसके बाद में आप पूछना। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर सब जिलों में रोजगार के साधन उत्पन्न कर रही है और श्योपुर में भी उसके प्रयास करें। जो एक सांसद की भूमिका रहती है, मैं ईमानदारी से अपनी जो सांसद बनने के बाद उसकी भूमिका का निर्वाह बहुत लंबी चौड़ी बातें करेंगे। मैं श्योपुर में फैक्ट्री लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे लगता है कि जब इन हाथों में ताकत होगी तो मैं वो काम भी करूंगा जो श्योपुर और मुरैना क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता होगी। मैं आपको विश्वास। तीसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल है, अस्पताल बड़ा है, संसाधन काफी हैं, लेकिन यहाँ जो अस्पताल है वो डॉक्टरों की समस्या से जूझता है। यहाँ के लोग जो हैं इलाज के अभाव में कभी कभी शिवपुरी, ग्वालियर, माधोपुर, कोटा वहां जाते हैं, तो डॉक्टरों की किल्लत को आप कैसे दूर करेंगे? डॉक्टरों की किल्लत के लिए ही मेडिकल कॉलेज खोले हैं। मध्य प्रदेश में पहले 5 ही मेडिकल कॉलेज थे, अब जगह जगह शिवपुरी मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टरों को रोक पाएंगे ना यहाँ। डॉक्टरों को जब मेडिकल कॉलेज ही खुलेगा, प्रोफेसर होंगे, इसी के लिए मेडिकल कॉलेज खुला है कि शिवपुर के लोगों को कोटा नहीं जाना पड़े, इसके लिए ही मेडिकल कॉलेज है। वो 16 दिन में चालू होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला, 6-8 महीने में चालू हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, शिवपुर में भी बहुत सारे मेडिकल के अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ वो सुविधाएं हैं नहीं, इसलिए वो अपना कहीं कोई गाली ग्वालियर शिफ्ट हो गया, कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया, कोई कहीं हो गया। पहले तो शिवपुर में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्हीं को मोटिवेट करके कि कैसे हम अपने शहर को अच्छा सुंदर बना सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाएंगी हमारे शहर में, तो मुझे लगता है कि उनका पहले उनको रोकना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, ये किसी एक के प्रयास से नहीं हो पाएगा कि यहाँ कोई मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी डेवलप हो जाए। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ बेहतर होने वाली है। यहाँ पे जो विभाग होते हैं, सरकारी दफ्तर जो होते हैं, यहाँ बड़े अधिकारी की पोस्टिंग कर दी जाती है, लेकिन वो अधिकारी आना नहीं चाहते, तो प्रभारियों के भरोसे चलता है ये यहाँ के विभाग जो है। तो ऐसे में परमानेंट अफसर मिले परमानेंट विभागों को सांसद बनने के बाद, सुविधाएं बढ़ेंगी, मेडिकल कॉलेज भी होगा, दवाई के साधन अच्छे होंगे, रेल लाइन होगी। जब हमारी रेल लाइन की जो योजना है माननीय मोदी जी ने की है, तो जब आने जाने के साधन और स्वास्थ्य के साधन बढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं हम, हर क्षेत्र में जब बढ़ जाएगा श्योपुर आगे होगा। रेल लाइन मुख्य चीज होती है जिससे आवागमन हो जाता है और आदमी को सीधे कम समय में घंटे 2 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाए और बाहर निकल जाए। इसके बाद में आपके बड़ी लाइन ये 552 हाईवे बन रहा है, जो 552 जब ये हाईवे बन जाएगा पूरी गारंटी हो जाएगी, इसकी 5 साल की गारंटी थी, तो श्यामपुर उचापुरा होके मुरैना तक ये 552 का बड़ा हाईवे बन जाएगा। मार्ग अच्छे बन रहे हैं, आपने देखा ही होगा, स्वतः आप देख रहे होंगे मार्गों में कि कितनी अच्छाई हुई है कि आप कई घंटों में जो पार होते थे, हम मुरैना से श्योपुर आते थे हम घंटों में, 5-6 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे में मुरैना से श्योपुर आ जाते हैं। आदत की बड़ी समस्या इसलिए है कि लोग पैसे देके अगर ट्रांसफर कराएंगे तो जनता की क्या सुनेंगे। मैं भी विधायक रहा, आप मेरे कार्यकाल में मेरे विधानसभा के जो प्रश्न है उनको आप उठा सकते हैं। मैंने सरकार के खिलाफ भी प्रश्न लगाए, ऐसा नहीं था मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोला, जब भी मैं बोलता था सरकार के खिलाफ भी धारता था। मेरा केवल इतना मानना है कि जनप्रतिनिधि अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। आप सोचिए कि जब लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रभारी के भरोसे दफ्तर चल रहे हैं तो कैसे काम हो पाएगा। जनता पैसे दे, अधिकारी पैसे दे दे के ट्रांसफर करा लेते हैं, फिर उसको बताना नहीं है, मर्जी है। भ्रष्टाचारी के आलम जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम दमदारी से और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो वो जो अधिकारी है वो भी यहाँ अपनी स्थिति में ठीक काम करेंगे। किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं आप जनता के बीच? भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का कल्याण किया, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन घरों में महिलाओं को पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर शौचालय बनाकर जो इज्जत घर बनाए, माननीय मोदी जी ने पहला भाषण सालाब के लिए थे कि जब गांव में अंधेरे का या शहर में महिलाएं जो गरीब लोग परिवार है उनके घरों में शौचालय नहीं है
तो महिलाएं रात के अंधेरे का इंतजार करती हैं। ये भाषण था माननीय मोदी जी का, कोड है वो, और इस भाषण के तहत उन्होंने सोचा कि शौचालय गांव में होना चाहिए और शहर में भी होना चाहिए। गरीबों के परिवार में शौचालय होगा तो महिलाएं रात के अंधेरे का इंतजार जो करती हैं उसके लिए बीमारी भी पैदा होती है महिलाओं को, और हमारी मातृशक्ति है ये महिला जो उनको इज्जतगर बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये सुविधा गरीबों को दी। आवास देने का काम आदिवासियों के टपरे थे उनको, मैंने अभी आपको कहा उनको आवास देने का काम, गरीब जनता कोई भी समाज और कोई भी जाति की हो गरीब आदमी को आवास देने का काम, शौचालय देने का काम, 80 करोड़ जनता को अनाज देने का काम, जो इलाज के अभाव में लोग खत्म होते थे उनमें आयुष्मान भारत कार्ड बनाकर किसी का अगर ऑपरेशन होना है तो 2-4-5 लाख रुपए की आवश्यकता थी, उनको इलाज का काम करने के लिए, इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए फ्री में सरकार दे रही है, अस्पताल में इलाज होता है। उसके बाद में अभी माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 3 करोड़ मकान और बनाएंगे आवास, और 70 से ऊपर जितने लोग हैं उनका फ्री इलाज कराएंगे, बीमारी 60-70 के ऊपर ही बढ़ती है तो उनका फ्री इलाज कराएंगे। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ तो लोगों का आशीर्वाद, लोगों का स्नेह और प्यार मेरे और मेरे परिवार को बना रहा। ग्वालियर में मेरे बड़े भाई 2 बार लगातार विधायक रहे और उपचुनाव में उन्होंने एक अच्छी बड़ी जीत हासिल की। ग्वालियर मेयर भारतीय जनता पार्टी 57 साल तक वहां कांग्रेस रही, 57 साल के बाद किसी ने अगर रिकॉर्ड तोड़ा है तो मेरे बड़े बड़े भाई की धर्मपत्नी और मेरी भाभी डॉक्टर शोभा सतीश। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि मेरा पूरा परिवार राजनीति को जनसेवा का माध्यम मान के पूरी ताकत के साथ लगे रहे। पिताजी 2 बार विधायक रहे, बड़े भाई विधायक रहे, भाभी महापौर रहना विधायक रहा, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहा। ये केवल और केवल इसलिए हो पाता है कि पूरा परिवार ईमानदारी से ताकत के साथ जनता की सेवा करते हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास का आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, लोगों को अपनी छत मिल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास से मिलने वाली जो राशि है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें ये परेशानी हमको देखने को मिलती है। और ये सवाल भी है मेरा आपसे कि ये राशि जो है शहर में 2.5 लाख के आसपास है और गाँव में ये राशि का अंतर है, इस राशि को लेके भी लोग थोड़े से खफा हो जाते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि राशि एक होना चाहिए, समानांतर जो प्रधानमंत्री आवास की छत मिलने का है तो उसमें समानांतर, तो सांसद बनने का किस तरीके से प्राथमिकता रहेगी, क्या अंतर है उसका? 2.5 लाख रुपए शहर में है, गाँव में कम है? नहीं, शहर में खर्चे भी तो ज्यादा होते हैं, गाँव में खर्चे कम होते हैं, वहाँ साधन मिल जाते हैं, मजदूरी खुद भी कर लेते हैं और भी गाँव के क्या उसका अंतर भी ठीक करें। गांव में क्या है, शहर में ही आता है गांव का माल, इधर उधर से गिट्टी आएगी, लंबे से आएगी, गांव में अपना काम खुद भी मजदूरी करके आदमी कर लेता है, शहर में नहीं कर पाता। और उसकी राशि का अंतर भी करेंगे, उसका विधान उसको बात उठाएंगे जब आपने बात नॉलेज में लाई हो। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मुझे लगता है कि जब तक समानता का माहौल नहीं पैदा होगा तब तक ये लोगों में भावना बनी रहेगी कि शहर के लिए काम अच्छा हो रहा है, गाँव के लिए नहीं हो रहा है। और मैंने पहले कहा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और संसद में वो बातें सब जो आप मेरे ध्यान में दिलाएंगे। आवास के लिए जाता है राशि के मुताबिक, देखिए राशि के लिए केवल और केवल संसद क्षेत्र में मैं अपने जो मुद्दे हैं उनको संसद में ठीक तरह से उठाऊंगा और ईमानदारी से दमदारी से काम करूंगा, तो मुझे लगता है कि समस्या भी खत्म। सहकारिता बैंक का मुख्यालय मुरैना में है, अभी भी किसानों की ज्यादातर मांग ये है कि इस मुख्यालय को श्योपुर लाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है अपना एक दिन बर्बाद करके वहां जाते हैं, पैसा भी लगता है, तो किसी भी किसान को वहां जाना नहीं पड़ता मुख्यालय पे। यहाँ किसानों ने कहा है, लेकिन किसान सवाल भी है मेरा आपसे, नहीं आपसे सवाल है, आपका कहना ठीक है, लेकिन वो नाबार्ड जो बैंकों की परमिशन, पूरे मध्य प्रदेश का सवाल है, पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, सहकारिता के मामले में सोसाइटियों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, अभी चल रहा है श्योपुर लाएंगे, और श्योपुर लाने की मांग है, पूरे हिंदुस्तान की मांग है। कोऑपरेटिव बैंक है अशोक नगर गुना की, जैसे शिवपुरी और गुना की है, ऐसे ही हर जगह की जो बैंक हैं अलग अलग क्षेत्रों की, रायसेन विदिशा की है, ऐसे अपने 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 जिलों में अलग अलग मांग है, उसकी मांग भी बात भी चल रही है,
और हम लोगों का काम है कि इस बात को केंद्र में उठाने का, तो हम लोग इस बात को रखेंगे और वो नाबार्ड केंद्र सरकार की जो संस्था है वो उसको करेगी पूरी। मैंने कहा ना अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको जगाने का काम करेंगे, किंतु पटवारी जी के माध्यम से, शुभम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से और मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश अग्रवाल के माध्यम से इस आवाज को मध्य प्रदेश की विधानसभा में बुलंद करेंगे। और जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने कहा कि मैं ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार की विषय है, आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ ये प्रयास करूंगा कि मुख्यालय शुभ मिलकर। कुपोषण के लिए श्योपुर कुख्यात है पूरे देश में, हालांकि सरकार ने कुपोषण से होने वाली मौतों को कम किया है, सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है ताकि कुपोषण से होने वाली मौतों का ग्राफ गिराया जा सके, पूरी तरीके से कुपोषण पर लगाम लगे, हालांकि कुछ बच्चे मरते रहते हैं, तो पूरी तरीके से इस कलंक को मिटाया जाएगा श्योपुर से क्या? ऐसे काफी कुपोषण में आपने ही कहा है कि काफी काम हुआ है कुपोषण, और सरकारें काफी उसमें आगे बढ़ रही हैं। कुछ मौतें अभी भी हो रही हैं, मान लो कुछ मौतें हो रही होंगी तो उनको भी रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा, अगर कोई ऐसी बात आती भी है तो सारी चीजें बढ़ाने का और उनके कुपोषण के खाद्यान्न वगैरह और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इस मुरैना संसदीय क्षेत्र की आवाज को संसद में बुलंद करूंगा और मुझे लगता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जन आंदोलन बनाकर इस कुपोषण को खत्म किया जा सकता है। सर बीजेपी का अभेद किला है ये, जैसा मैंने अपने आपसे इंटरव्यू के पहले कहा था कि अभेद किला है, 28 साल से यहाँ बीजेपी काबिज रही है, कांग्रेस का खाता नहीं खुलने दिया, शिवमंगल सिंह तोमर पे भरोसा किया है, नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी माने जाते हैं आप, तो आप इस किले को कैसे बचाए रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किले को बचाए रखता है, शिवमंगल सिंह भी नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता चुनाव लड़ रही है, इसलिए आम जन चुनाव लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सहारे, आम जनता के सहारे, आम जनता का ये चुनाव बन गया है, इसलिए इस किले को भेदने का कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस टूटी फूटी पड़ी है, कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़ कर पूर्व विधायक अजय सिंह जैसे लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के सामने आपने देखे ये क्या लोग क्या 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 स्टेटमेंट चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इस किले में बचाने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि आम जनता गांव के अंदर मोदी और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विकास किया है। सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ तो रामनिवास रावत जी थे, उन्होंने कहा कि ये भी चिंता मत करो, हम पूरी ईमानदारी के साथ पिताजी के जैसे पिताजी आपके लिए काम करते थे वैसा काम करेंगे, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ नाराजगी शुरुआती दौर में होती है, हर परिवार में होती है, ऐसा भी मानता है पिताजी को नहीं होती। और आपने दूसरा प्रश्न ये किया कि सूख 28 साल के सूखे को कैसे खत्म करेंगे, हमने 57 साल में ग्वालियर महानगर में मेयर का सूखा खत्म कर दिया, तो ये तो 28 साल है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस से बड़ी जीत इस मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में जीतने वाली है। आपने कहा कि एक अभेद किला 28 सालों में, मुझे लगता है कि आप, मैंने कहा कि 57 साल में जब ग्वालियर का सूखा खत्म कर सकते हैं तो 28 साल बाद इस मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र का सूखा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में जो वातावरण है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जो लोगों के आरोप है लेन देन के, मुझे लगता है कि यही काफी है कांग्रेस को जीत कराने। सर लोकसभा श्योपुर मुरैना लोकसभा में 8 सीटें, जिसमें से 2 सीटें श्योपुर में है और 5-6 सीटें जो हैं मुरैना संसदीय क्षेत्र में, ऐसे में बीजेपी के पास महज 3 सीटें हैं, 5 कांग्रेस पे है, बड़ी चुनौती होगी इन सीटों पर पार पाना, लगता नहीं है कि आप कैसे पार करेंगे इस चुनौती को जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें? कांग्रेस का बिखराव आपको मालूम होगा और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, ये स्थानीय चुनाव सरपंच के या जिला पंचायत के विधानसभा का छोटा चुनाव है, इसमें कुछ स्थानीय स्तर के मुद्दों के अनुसार ये चुनाव होते हैं, और लोकसभा में 2 सीटें थी हमारी, पहले 2 सीटें थी 2008 में अम्बाव दिमनी, उसके बाद में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते,
आपको तो मालूम होगा, एक भी सीट नहीं थी 19 में, एक भी सीट नहीं थी, एक सीट विजयपुर की थी, एक सीट भी मुरैना जिले में, एक भी नहीं थी 6 में। अरे पूरी तरह आश्वस्त, मुझे नहीं लगता कोई चुनौती रहने वाली है, क्योंकि आपने खुद कहा कि 8 सीटें हैं मुरैना सुपर संसदीय क्षेत्र में, 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, 3 पर भारतीय जनता पार्टी है, मुरैना की मेयर कांग्रेस की है, मुरैना का सभापति कांग्रेस का है, तो एक बड़ा संगठन, मजबूत संगठन मुरैना सुपर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का है। मुझे लगता है कि जिन 3 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक तो मेरी खुद की सुमावली विधानसभा है जहाँ से मैं चुनाव लड़ता था, एक दिमनी है माननीय नरेंद्र सिंह जी यहाँ से बने हैं, और एक सबलगढ़ है, मैं इन 3 सीटों को भी कांग्रेस वहाँ से जीतने वाली है ऐसा मैं मानता हूँ।